शेरा मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं सुना रही हूं आप सबको रामायण का बालकांड अर्थ सहित। धार्मिक दृष्टि से रामायण के बालकांड बहुत महत्वपूर्ण है। बालकांड को पढ़ने से महापीड़ा और गृह पीड़ा से मुक्ति मिलती है, यानी कि सभी दुख दोष और पीड़ा मुक्त हो जाते हैं और श्री रामचंद्र जी की कृपा होती है। चले अपनी चौपाइयों की तरफ। 13 भाग हो चुके हैं, 14वां भाग अब। जय सियाराम। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं बालकांड में। गुरु पित मात महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिए पी के हित निरुपद सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को प्रणाम। मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु है, दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रघुनाथ जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो के जग हित हरे गिरिजा सावरी मंत्र जाले जिन सिरिजा अन मिल आखरी अर्थ न जापू प्रगट फिर भाव महेश प्रतापू। जिन से पार्वती ने कली को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला कर ही कथा मुद मंगल मूला सुमर शिवा से बिपाई पसाऊ भर नौ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिते मोरे शिव कृपा विभाती ससि समाज मिल मनहु सुराती जे एही कथा सने समेता कई है सुने है समझ चकिता होए है राम चरण अनुरागी कल मल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागण के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर
श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने हो साचे ओ मोहि परी जो हरि गौर पसाउ तो फुर हो जो कहे हो सब भाषा धन ते पिर भाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। ये हुआ हमारा 14वां भाग। जय सियाराम। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।